ये चेक करो भाई, ये यहाँ पर गिर गया। सो इसको ऐसे घर लेके जाना पड़ेगा। सो भाई क्या सीन हो गया भाई, यहाँ पर टूट चुका है ये जो चीज़ें, ये जो पैनल है ये टूट चुका है, इसको चेंज करना पड़ेगा शायद। ये जो चीज़ है इसको चेंज करना पड़ेगा भाई, कितना खर्चा आएगा पता नहीं। ये जो चीज़ है ये इतना सर है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये देखो भाई, इधर सिल्वर प्ले बटन होता है, ये मेरा स्कूटी का बटन है। ये जो गांव आप देख रहे हो ये इंडिया का लास्ट विलेज बोल सकते हो, लास्ट गांव बोल सकते हो। सो यहाँ पर ऐसा कुछ ड्राइव टेस्ट देना पड़ता है। एक बार सिर्फ जाना पड़ेगा, वो जो टेस्ट है ड्राइविंग टेस्ट है वो देने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिर्फ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियोस। तो आज दो दो काम है, एक काम है आरटीओ ऑफिस जाना है क्योंकि दोस्त गया है परमानेंटली लाइसेंस के लिए, टेस्ट जो होता है ड्राइविंग टेस्ट वो देने के लिए, लेकिन उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पे ही छूट गया। उसके घर से उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर आरटीओ ऑफिस जाना है, और एक लॉन्ग राइड भी होने वाला है, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर का राइड होने वाला है। सो अभी फटाफट चलते, पहले दोस्त का जो काम है वो करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स को लेकर आरटीओ ऑफिस चलते पहले। अभी आप टाइम चेक करो, दोपहर के 1 बज रहे, बहुत ही गर्मी है, धूप देखो। सो अभी फटाफट चलते, पहले पहनते हैं ग्लव्स, इसको किक करके स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो बैटरी है वो खराब हो चुका है। स्टार्ट हो जाए जल्दी जल्दी, स्टार्ट हो चुका है, अभी फटाफट निकलते हैं। दोपहर के 1 बज रहे और दोस्त क्या कर रहा है पता नहीं, और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है मैंने खुद अप्लाई कर दिया ऑनलाइन में, ऐसे जो ब्रोकर होता है उसको नहीं पकड़ा, क्योंकि ऐसे नॉर्मली आप किसी के थ्रू आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस करने जाओगे तो 3000 देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 3000 देने के लिए बोलेगा। ऐसे नॉर्मली खुद से ऑनलाइन में करोगे अप्लाई और वो बहुत ही इजी है, वो अगर आप करोगे आपको सिर्फ 1000 लगेगा, ठीक है, 1000 खर्चा आएगा, 1000 का खर्चा आएगा। सो आप सभी को यही कहूंगा कि आप खुद से अप्लाई करो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है वो देख के आप अप्लाई कर दो, और बहुत ही इजी है, और आपको आरटीओ ऑफिस जाना भी नहीं पड़ेगा, एक बार सिर्फ जाना पड़ेगा, वो जो टेस्ट है ड्राइविंग टेस्ट है वो देने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिर्फ। आप अगर करना चाहते हो आप खुद से ऑनलाइन में करो, आपको क्या करना है परिवहन.com पे जाना है, मतलब परिवहन के वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है, आप यूट्यूब से देख सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। सो ये रहा NS34। सो अभी फटाफट चलते, और मेरा जो लाइसेंस बनाया था खुद ही बनाया था, मेरा दोस्त का भी बना दिया और इस दोस्त का भी मैंने बना दिया, ठीक है, मतलब शमीम का बनाया, फुजलू का बनाया, 3 दोस्त का मैं खुद अप्लाई कर दिया ऑनलाइन में और वो सिर्फ 1000 में हो गया। सो बहुत ही इजी है, आप किसी और के थ्रू मत करो लाइसेंस, ठीक है, बहुत ही कम पैसे में आप कर सकते हो खुद। सो अभी फटाफट चलते, दोस्त का जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लेके गया, सो वो लेते घर से, उसका घर जाना पड़ेगा, घर से लेके उसको देते आरटीओ ऑफिस जाके, पहले पेट्रोल डाल लेते क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल नहीं है। अभी चलते, 20 किलोमीटर राइड करने के बाद पहुंच गए बहरमपुर सिटी। तो ये देख सकते हो ये है आरटीओ ऑफिस, यहाँ पर होगा टेस्ट, ड्राइव टेस्ट देना पड़ेगा इस फील्ड में, आप लोगों को देखा था कैसे क्या होता है। सो यहाँ पर ऐसा कुछ ड्राइव टेस्ट देना पड़ता है। आरटीओ ऑफिस का जो काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है, अभी चलते तो राइड वगैरह करते हैं। आज राइड पे जाना है, मतलब लॉन्ग राइड पे जाना है, 100 किलोमीटर का राइड होने वाला है। वेदर चेक करो, बारिश होने वाली है, रोड तो भाई A1 है, बस एक ही दिक्कत है ज्यादा ब्रेकर है। सो फाइनली पहुंच गए, और ये जो गाँव आप देख रहे हो ये इंडिया का लास्ट विलेज बोल सकते हो, लास्ट गाँव बोल सकते हो, इसके बाहर भी बांग्लादेश है। और रोड तो भाई रोड तो नहीं है भाई, ये ऑफ रोडिंग है, बहुत ही खराब रोड है, जो रिवर है रिवर के बाहर भी बांग्लादेश है। सो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, सो अभी चलते फटाफट जो रिवर है रिवर के तरफ। सो फाइनली पहुंच गए, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा पद्मा रिवर, सो ये चेक करो। सो ये रहा पद्मा रिवर, और उस तरफ है बांग्लादेश और इस तरफ है इंडिया, और यहाँ पर कितना लोग घूमने के लिए आए हैं देख सकते हो। सो अभी चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा ऑफ रोडिंग। स्कूटी का जो हालत है पहले से खराब है और भी खराब हो रहा है इस ऑफ रोडिंग के वजह से, इतना खराब रोड है क्या ही बताओ आप लोगों को। ये चेक करो भाई, इतना मस्त व्यू है ना, सेरा पद्मा रिवर। यहाँ पर ट्रैफिक चेक करो भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग चुका है यहाँ पर, अंधेरा भी हो गया, अभी चलते हैं। एक दोस्त बुला रहा है क्योंकि उसने एक न्यू बाइक खरीदा, तो उसके लिए वो खिलाने वाला है, मतलब पार्टी दे रहा है वो, सो फटाफट चलते हैं वहाँ पर। ये रहा सब दोस्त लोग, और ये जो बाइक है MT बाइक खरीदा तो उसने,
तो कल रात को घर आ गया था और वीडियो का एंड नहीं किया और आज सिर्फ बाहर काम के लिए जा रहा हूँ। सोचा के कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो जो व्लॉग था बहुत ही छोटा था, बहुत ही गंदा होके पड़ा है। स्कूटी देख सकते हो, लॉन्ग राइड करने के बाद स्कूटी को वॉश भी नहीं किया। सो फाइनली आ चुका रोड पे, सामने है NH 34। सो NH पकड़ के सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अभी स्कूल का टाइम पे आया हूँ तो इसीलिए थोड़ा ट्रैफिक वगैरह मिलेगा। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा पहाड़, क्योंकि स्कूटी को लेकर जाने वाला हूँ सिक्किम राइड पे दार्जिलिंग। सो आपको पहाड़ देखने को मिलेगा और हम भी भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहा हूँ, वो भी भाई स्कूटी में ऐसे राइड करके। और पता नहीं स्कूटी क्या परफॉर्म करेगा पहाड़ों के रोड पे। ऐसे तो कोई मेरे साथ जा नहीं रहा है, अकेला ही जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि दो चार दोस्त को पूछा था कि जाना है तो उसने बोला कि नहीं जाना है। सो मुझे तो लग रहा है कि अकेला ही जाना पड़ेगा, सोलो राइड करना पड़ेगा सिक्किम राइड। कल तो भाई छोटा मोटा एक लॉन्ग राइड किया था, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर गया था और पद्मा रिवर आप लोगों को दिखाया, और रात हो गया था घर लौटने में। और जो वीडियो था वो बहुत ही छोटा बनाया था, मतलब उतना लॉन्ग नहीं हो पाया, इसीलिए आज कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ इस व्लॉग को, क्योंकि भाई 10 मिनट के ऊपर तो होना चाहिए व्लॉग, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए सोचा चलो आज तो ऐसे नॉर्मली काम के लिए जा रहा हूँ, व्लॉग कर ही लेते हैं। और मेरा जो स्कूटी का हालत है वो बहुत ही ख़राब है, इसको सही करवाना पड़ेगा सबसे पहले। जब YouTube का पेमेंट आ जाएगा, टेक चैनल का पेमेंट आएगा YouTube से, तब सबसे पहले काम है स्कूटी को सही करवाना, क्योंकि फुल सर्विसिंग करवाना है। और जो खर्चा आएगा भाई 4000 से 5000 का खर्चा आ जाएगा जो ख़राब है ना। जैसे कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हिल रहा है, यहाँ पर एक वेल्डिंग टूट चुका है, इसको वेल्डिंग करना है। उसके बाद स्कूटी का बैटरी ख़राब हो गया और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है। और स्कूटी को लेकर जा रहा हूँ लॉन्ग राइड पे और इसको मतलब खींच नहीं पाऊँगा। 100 किलोमीटर राइड करने के बाद इसको रेस्ट देना पड़ेगा, फिर से 100 किलोमीटर चलाना है, फिर से रेस्ट देना है, तो यही दिक्कत है। मतलब ऐसे खींच के जा नहीं पाऊँगा, थोड़ा पावर में कमी है, अदरवाइज सब कुछ सही है। अगर आपके पास स्कूटी है तो स्कूटी को लेकर भी आप लॉन्ग राइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास स्कूटी है तो आप लॉन्ग राइड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सोचा कि भाई मेरे पास बाइक तो नहीं है तो क्या हुआ, भाई स्कूटी तो है, स्कूटी को लेकर चलो एक बार लॉन्ग राइड करके आते हैं, सिक्किम राइड करके आते हैं। ये चेक करो भाई, ये यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर अचानक जाने के टाइम पे खोल के भाई गिर गया रोड पे। ओ भाई साहब हालात देखो, स्कूटी का क्या हालत हो चुका है। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये तो न्यू खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये टूट चुका है, ये यहाँ पर एक चीज़ होता है, यहाँ पर एक चीज़ होता है। सो अभी कैसे जाऊँगा इसको लेकर पता नहीं, देखते हैं भाई क्या हो गया, क्या सीन हो गया भाई। अचानक गिर गया, चलते हैं भाई स्कूटी का हालत चेक करो क्या हालत हो चुका है। बहुत जल्द इसको सर्विसिंग में लेके जाना पड़ेगा। सो अभी देखते हैं रहता है या नहीं। और ये जो पैनल है, पैनल का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं है भाई घर तक जाएगा या नहीं। अचानक रोड पे गिर गया, क्या ही बताओ भाई, क्या ही हालत हो चुका है स्कूटी का। तो भाई ये चेक करो, फिर से खुल चुका है। सो इसको लगा रहा है और बार बार खोल रहा है भाई, अभी लग ही नहीं रहा है ये देखो। सो इसको ऐसे घर लेके जाना पड़ेगा। सो भाई क्या सीन हो गया भाई, यहाँ पर टूट चुका है ये जो चीज़ें, ये जो पैनल है ये टूट चुका है, इसको चेंज करना पड़ेगा शायद, ये जो चीज़ है इसको चेंज करना पड़ेगा। भाई कितना खर्चा आएगा पता नहीं, ये जो चीज़ है ये इतना सारे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा शायद, नहीं तो भाई नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर और यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो टूट चुका है और ये अभी लग भी नहीं रहा है। सो क्या ही कर सकते हो भाई, चलते ऐसे ही इसको लेके घर। ये अभी चलने के हालत में नहीं है भाई, यहाँ पर एक बार गिर गया इसीलिए यहाँ पर स्क्रैच भी पड़ चुका है गिरने के वजह से, सब सोचेगा एक्सीडेंट वगैरह किया है इसने। ऐसे लेके जा रहा हूँ इसको। ये देखो भाई, इधर सिल्वर प्ले बटन होता है, ये मेरा स्कूटी का बटन है, यहाँ पर लिखा है बाइक और सोहान। सो ये चीज़ चेक करो भाई, क्या सीन है भाई, मेरा खर्चा मोटा खर्चा हो चुका है। ऐसे तो नॉर्मली 4000-5000 का खर्चा ऑलरेडी था, ऊपर से जो पैनल है, पैनल टूट चुका है, इसका खर्चा अलग, मतलब
खर्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है स्कूटी में, और अभी तो चलाने की हालत में भी नहीं है, चल भी नहीं सकते, ऐसा हालत हो चुका है। सो अभी सीधा घर चलते, घर जाके इसको रखते, फिर जब यूट्यूब से पेमेंट आएगा तब सब कुछ सही करवाना पड़ेगा। इसको यहाँ पर रखते, नीचे दिक्कत हो रहा है बहुत। चलो अभी ऐसे तो नॉर्मली तो स्कूटी में बहुत ही ज़्यादा खर्चा था, ऊपर से और खर्चा ऐड हो चुका है, मतलब लाख ही ख़राब है। पता नहीं और कितना खर्चा आएगा और सिक्किम राइड हो पाएगा या नहीं, इतना खर्चा सिक्किम राइड के पहले ही। अभी फटाफट रेस्ट वगैरह करते और स्कूटी में लगाते, अभी भाई सीधा जाएगा ये मैकेनिक के पास, क्योंकि भाई ये अभी चलने के हालत में नहीं है। और इस ब्लॉग को ये पर कहते हैं, ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद है तो जरूर ब्लॉग कर देने का लाइक, और चैनल को जरूर कर देने सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। सो मिलते किसी और एक इंटरेस्टिंग मोटर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।